ध्यान दीजिए, ये आई जो है दो तरीके से ही लिखा जाता है, दो तरीका है इसके लिए। एक योद डाल के नीचे अगर बिंदी डाल देंगे तो ये क्या है, आई, व्हाट इज दैट, आई, उसको आई करके बोलेंगे। नहीं तो अगर एक अल्फाबेट है, ये लैमेड है, लैमेड के नीचे एक डॉट डालकर यहां पर अगर मैं योद डालूंगा तो एल प्लस आई, एल प्लस आई, लाई, लाई करके हो जाएगा, एल प्लस आई करके हो जाएगा, ठीक है। लैमेड के नीचे डॉट डालकर और यहां पर मैं योद डाल दिया तो इसको क्या हो जाएगा, लाई। अगर पी के नीचे एक सिंगल डॉट डालकर अगर मैं योद ड्रॉ करूंगा इस तरह, पे नीचे डॉट डालकर मैं अगर योद ड्रॉ करूंगा तो ये क्या हो गया, पी प्लस आई, पाई, पाई करके आ जाएगा, राइट। सो इस तरह अगर अल्फाबेट के नीचे अगर डॉट डालकर साइड में अगर योद डाल दूंगा तो दैट इज आई साउंड उसमें आएगा, आई साउंड। हिब्रू हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखना है, राइट टू लेफ्ट। अभी अपन यहां पर लेफ्ट टू राइट लिखा है क्योंकि हमें समझने के लिए, लेकिन यूजुअली कैसा लिखना है, राइट टू लेफ्ट, ओके। नेक्स्ट, ये हो गया आई साउंड। मेरे ख्याल से आई साउंड के लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही चीज है, एक योद के नीचे सिंगल डॉट आया तो आई साउंड, नहीं तो अल्फाबेट के नीचे डॉट आकर साइड में अगर योद आया तो एल प्लस आई। नेक्स्ट वन, वो, ये वो साउंड के लिए क्या करेंगे, वो साउंड के लिए भी बहुत सिंपल है। वाव के ऊपर, वाव के ऊपर अगर बिंदी आ गया तो ये क्या है, वो, वाव के ऊपर बिंदी आ गया तो क्या है, वो है। और else अगर अक्षर के ऊपर, अल्फाबेट के ऊपर अगर मैं बिंदी डाला, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है लैमेड और यहां पर मैंने डॉट डाल दिया तो ये क्या हो गया, एल प्लस वो, लो, एल प्लस वो हो जाएगा। अगर मैं यहां पर पे डालकर ऊपर में बिंदी डाल दिया तो ये क्या हो गया, पी प्लस ओ, पो, पो हो जाएगा। सो डॉट ऊपर आया तो वो साउंड आ जाएगा, अगर डॉट नीचे आया तो क्या, कौन सा साउंड है, ई साउंड है। और आई के लिए सिर्फ योद के नीचे आया डॉट आना चाहिए, सिंगल डॉट, या अल्फाबेट के नीचे सिंगल डॉट आकर साइड में योद आया तो दैट इज एल प्लस आई, लाई, राइट। सो दिस इज ए, ई, आई एंड देन वो, राइट। अभी एक छोटा सा डिफरेंस अपन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं डिफरेंसेस, ओके, डिफरेंसेस बिटवीन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में अपन देखेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट डिफरेंस, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड बेथ, इसको क्या बोलेंगे, बेथ करके बोलेंगे, बॉक्स के जैसा है ना, इसको देखने के समय कैसा लिख रहा है, बॉक्स, एक बॉक्स को वर्टिकली खड़ा किया है, साइड वाइज, साइड वाइज देखने के समय ऐसा लगेगा, दिस इज बेथ, बेथ को ऐसा लिखेंगे, ओके। बेथ का मीनिंग है घर, हाउस, बेथ का मीनिंग क्या है, घर है। अभी ये शब्द जो है बहुत सारा जगह में यूज किया गया है, उदाहरण के लिए बेतेल, याकूब ने यूज किया था बेतेल, बेतेल का मतलब क्या है, एल बोले जाए तो गॉड, एल मीन्स गॉड, बेथ मीन्स हाउस, तो बेतेल बोले जाए तो गॉड्स हाउस, प्रभु का घर, प्रभु का घर। और एक जगह में लिखा है बेतलेहेम, बेतलेहेम करके होगा, बेत बोले तो क्या है, घर, लेखेम करके बोला तो ब्रेड, रोटी। इसलिए यीशु मसीह भी, यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं स्वर्ग से आया हुआ रोटी हूं, मैं स्वर्ग से उतरा रोटी हूं, प्रभु रोटी है, इसीलिए बेतलेहेम में जन्म हुए, क्यों, बेतलेहेम मीन्स रोटी का घर, लेखेम मीन्स रोटी, और बेत बोले तो घर, तो दोनों ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोटी का घर, रोटी का घर में कौन उतरा है, रोटी उतरा है, स्वर्ग से रोटी उतरा है,
मसीह वहां पर जन्म हुए, नहीं तो तिरछी में भी जन्म हो सकते थे। मैं प्रभु तिरछी में क्यों जन्म नहीं हुए, क्योंकि वो रोटी का घर नहीं है। बेथलेहम जो है वो रोटी का घर है, इसलिए प्रभु का जन्म कहां पर हुआ, रोटी के घर में हुआ। रोटी कहां पर आना चाहिए, रोटी के घर में। इस तरह बेथ एक बॉक्स टाइप है, बेथ का मीनिंग क्या है, घर है। बेथ का मीनिंग क्या है, घर। नेक्स्ट वन, ये बेथ को अभी ये बड़ा है तो हम अपने यहां पर छोटा सा ड्रॉ करेंगे, छोटा सा ड्रॉ किए, ऐसा लगेगा जैसे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स का ढक्कन है, लिड है। इसको वर्टिकली आप खड़ा करेंगे तो आपको ऐसा दिख रहा है। दिस अल्फाबेट इज नून, एन यू एन, नून, नन करके मत बोलिए, दिस इज नून। नून का मीनिंग है लाइफ, नून का मीनिंग क्या है, लाइफ। देखो बेथ जो है बड़ा बॉक्स है, और नून क्या है, छोटा बॉक्स है, लिड जैसा होगा। नून का मीनिंग क्या है, दैट इज लाइफ। और पावर के लिए क्या बोलेंगे, पावर के लिए एलफ, पावर के लिए व्हाट इज अल्फाबेट फॉर पावर, एलफ। ओके, एलफ के अंदर से वाव निकाल दिया तो पावर गया। अभी नून, नून को भी तीन भाग में, अच्छा नून जो है आपको कुछ याद आ रहा है, किधर भी आप पढ़े थे नून का बारे में, किधर पढ़ा है, बाइबल में लिखा है ना, नून का बेटा योशुआ, नून का बेटा कौन है, योशुआ, दैट इज जीवन का बेटा कौन है। नून का मीनिंग क्या है, जीवन, लाइफ। सो जीवन का बेटा कौन है, यहोशुआ। ओके, मैं यहां पर लिखता हूं नून और यहोशुआ, जोशुआ और जीसस, दोनों का नाम सेम है, हिब्रू में दोनों का नाम सेम है। कौन सा नाम है, यहोशुआ करके है, ठीक है। अभी यहोशुआ कौन है, नून का बेटा है, दैट इज लाइफ का बेटा है, लाइफ का बच्चा कौन है, यहोशुआ। अभी प्रभु ने कहा था ना, मैं दुनिया का उजियाला हूं, राइट, प्रभु ने कहा, एंड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट करके बोले। प्रभु लाइट है और हम कौन है, चिल्ड्रन ऑफ लाइट। इफ ही इज लाइट देन हु आर वी, वी आर ऑल्सो लाइट। अगर प्रभु उजियाला है तो हम सब जन कौन है, हम भी उजियाला है। अगर प्रभु जीवन है तो हम भी कौन होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। अभी नून का मतलब जीवन है, योशुआ का पिताजी का नाम क्या है, नून, उसका नाम जीवन है, तो योशुआ का नाम भी क्या है, योशुआ के अंदर भी क्या है, जीवन है, उसके अंदर भी जीवन है। अभी ये नून को देखिए, ये नून को अपन सेपरेट करेंगे, एन यू एन, एन इज नून इटसेल्फ, नून ही है, यू जो है वाव है, और एन जो है नून है। अब ये नून के अंदर से अगर मैं ये वाव को मैं हटा दिया, अगर नून के अंदर से वाव को हटाया तो कैसा लिखना पड़ेगा, एन एन करके आ जाएगा। वाव निकल गया तो लाइफ निकल गई, देयर इज नो लाइफ। वाव निकल गया तो पावर नहीं है, पावर कट हो जाएगा, और नून के अंदर से वाव निकाल दिया तो लाइफ कट हो जाएगा। और वैसे ही यहोशुआ के अंदर से अगर ये वाव को निकाल देंगे तो क्या कट हो जाएगा, लाइफ कट हो जाएगा। इसीलिए वाव को निकालना नहीं चाहिए, यहोशुआ में वाव रखना है, और नून के अंदर भी क्या करना है, वाव रखना है। दिस नून एक छोटा सा बॉक्स जैसा है, दैट मींस लाइफ, वो लाइफ है। नून लाइफ है तो यहोशुआ भी लाइफ है। नून के अंदर से वाव निकाल देंगे तो लाइफ गॉन, लाइफ लाइफलेस हो जाएगा। सिमिलरली यहोशुआ के अंदर से वो निकाल देंगे देन देयर इज नो लाइफ। ओके, सो नाउ बेथ जो है ये बड़ा बॉक्स है, और नून जो है कौन सा है, छोटा बॉक्स है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे, ये नून जो है शब्द, नून अक्षर, ये नून को हम थोड़ा सा बेंड करेंगे, उसको क्या करेंगे, बेंड करने वाले, ये देखो ऐसा नून को मैं बीच में मैंने क्या किया, बेंड कर दिया है, बीच में मैंने क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। अभी उसमें उसको देखने के समय कैसा लग रहा है, एज इफ नून क्या कर रहा है, बेंड हो गया, अभी इट इज बॉबिंग डाउन,
वो क्या कर रहे हैं अभी, इट इज बविंग डाउन. नून को और एक मीनिंग है, दैट इज लाइफ है, एंड अदर मीनिंग इज सीड, बीज. उसको और एक मीनिंग है बीज करके. हम सब जन कौन है, प्रभु का बीज है. वी आर दी सीड्स ऑफ गॉड, ओके, वी आर द हेयर ऑफ गॉड. अपन सब जन प्रभु का बीज है. सो नून जो है इट इज लाइफ, सीड भी उसको बोला जाता है. हम सब जन प्रभु का बीज है, और प्रभु का बीज क्या होना चाहिए, वी हैव टू बाउ डाउन, दैट इज वी हैव टू हम्बल आवर सेल्फ. अपन क्या करना है, हम्बल करना है. अब ये नून को मैंने क्या किया, यहां पर थोड़ा सा मैंने वो बेंड किया हो, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, जैन को रखता हूं. मैं क्या किया है, जैन को रखा हूं. जैन का मीनिंग क्या है, नांगर, ओके, नांगर. सो प्रभु ने कहा था ना, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ बहुत लहू है, बहुत आसान है, और मेरे से नम्रता सीख लो, करके प्रभु ने कहा. तो ये नम्र, ये बीच के अंदर आना चाहिए. आप देखो, एक बार क्या हुआ, एक ब्रदर, एक हिंदू ब्रदर चर्च में गया है. तो चर्च में जाने के समय वहां पर टीचिंग सुन रहे वे, तो वो पास्टर ने क्या कर दिए, गाय बैल के बारे में उन्होंने गलत बोल दिए, कुछ मुझे पता नहीं क्या गलत बोले, लेकिन गलत बोल दिए. इमीडिएटली दैट ब्रदर वेंट आउट ऑफ द ऑडिटोरियम, क्योंकि उन लोग गाय बैल को नमन करते हैं, दे वर्शिप, दे नमन, लोग नमन करते हैं. निकल के चले गए. मैं एक करीबन एक 3-4 महीने के बाद उनके घर में इसे विजिटेशन के लिए गया था, और मुझे मालूम नहीं था कि वहां पर क्या हुआ था करके. मैं डायरेक्टली ये वचन लिया कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, Matthew 11:28 मैंने बोला कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा करके प्रभु ने कहा. प्रभु का जुआ, प्रभु का जो ऊपर जो रखा गया जुआ, वो बहुत लहू है. ना, जुआ किसके ऊपर रखते हैं, बैल के ऊपर रखते हैं. तो अपना परमेश्वर कौन है, बैल है. ही वॉज ए सैक्रिफिशियल बुल, वो सैक्रिफिशियल ऑक्स थे. अभी वो सीन जब उन्होंने बताया, ही वॉज शॉक्ड. उन्होंने बोला, अपना यीशु मसीह बलि है क्या, अपना यीशु मसीह बैल है क्या, ऐसा करके पूछे. देखो, उनके सिर के ऊपर, उनके कंधों के ऊपर जुआ रखा गया है, और वही जुआ अभी कौन लेना है, सीड को लेना है. वही जुआ अभी सीड के ऊपर रखा गया है. सीड अभी बेंड हुआ है, इट इज बॉविंग डाउन. वो हम्बलनेस को दिखा रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो हम्बल करके दिखा रहे हैं. तो देखो, ये इसको बोलते हैं, ये अल्फाबेट को प्रोनाउंस करने के समय इसे साडे करके बोलेंगे. साडे, साडे मींस बाउ डाउन, क्या करना है, झुकना, झुकना करके मतलब है. और एक मीनिंग भी है, उसका मीनिंग है मैन ऑन साइड, मैन ऑन साइड. उसका अलग और एक मीनिंग भी है, उसका वो मीनिंग क्या है, मैन ऑन साइड. एंशियंट हिब्रू में, प्राचीन काल का हिब्रू में ये साड़े कैसा लिखा था, लिखा जाता है ऐसा, एक चित्र डालकर ऐसा, एक इंसान का सिर है और उसका बॉडी है, इट इज बेंट ऑन साइड, वो साइडवाइज जा रहे हो, मैन ऑन साइड, ओके. सो इसको बोलते हैं साड़े. सो ये पहला डिफरेंस है बेथ, ओके, बेत है, बेत बोलेगा तो घर, और ये नून है, नून बोलेगा तो सीड और लाइफ, और ये साडे, साडे मीन्स झुकना, दैट इज नम्र होना, अपने आप को हम्बल में लेके आना. ये तीनों का डिफरेंस देख लीजिए. नेक्स्ट वन, सेकंड डिफरेंस के अंदर अपन जाएंगे. व्हाट इज दिस, क्या है ये, शिन, इसको क्या बोलते हैं, शिन बोलते हैं. लेकिन अगर ये शिन के राइट साइड में यहां पर डॉट होगा तो ही इसे क्या बोलेंगे, शिन करके बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, शिन, शिन करके बोलते हैं. और इसको लिखने के समय एस एच, एस एच, शिन. लिटरल मीनिंग क्या है शिन का, लिटरल मीनिंग क्या है, टीथ है. और स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, एल शडाय, परमेश्वर है. अभी यही सेम शिन
अगर मैं ये डॉट राइट साइड के बदले अगर मैं लेफ्ट साइड रखा, देन ये इसको बोलते हैं यस आई एन सिन, इसको यस करके लिखा जाता है सिन, और इसका मतलब है काटा, थॉर्न। सिन का मतलब क्या है? काटा, थॉर्न। देखो दोनों का डिफरेंस देखो, ये एस एच आने के लिए डॉट किधर आना चाहिए? राइट साइड में। अगर एच नहीं चाहिए, अगर सिर्फ यस काफी है, तो डॉट किधर होना चाहिए? लेफ्ट साइड में होना चाहिए। और एक अल्फाबेट है जिसको एस साउंड आता है, अपन ऑलरेडी देख चुके, वाव डालिए और काफ डालिए, व्हाट इज दिस? सामेक। इसको क्या बोलते हैं? सामेक। इसको भी यस साउंड आएगा, सामेक। सामेक का मतलब क्या है? हाथ रखना। सामेक का मतलब क्या है? हाथ रखना। किसके ऊपर हाथ रखते हैं? बेड़ों के ऊपर हाथ रखेंगे। हाथ रखना बोले क्या है? सामेक। और इसको देखो अपसाइड डाउन है, कप जैसा रहेगा, और ऊपर क्या होना चाहिए? वाव आना चाहिए, ऊपर वाव आना चाहिए। शिन, शिन के राइट साइड में अगर डॉट आ गया तो यस एच करके लिखा जाता है, शिन के लेफ्ट साइड में डॉट आया तो यस करके साउंड आना चाहिए। सामेक, सामेक लेइंग हैंड्स, उसको भी क्या है? यस करके आ जाएगा। ओके, सो दिस डिफरेंस, बेथ नून, बेथ नून साड़े। ओके, बेथ बोले जाए तो घर, नून बोले जाए तो लाइफ, सीड, जीवन और बीज, और साड़े बोले जाए तो झुकना और हम्बल होना। मैन ऑन साइड पिक्टोरिकली, दैट इज एंशियंट हिब्रू, प्राचीन काल के हिब्रू में ऐसा लिखा जाता है, इंसान ऐसा लेटा हुआ ऐसा लिखा होगा। और सेकंड डिफरेंस शिन, शिन ड्रॉ करके यहां पर अगर बिंदी डाल देंगे राइट साइड में तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन एस एच आएगा, और यहां पर शिन के लेफ्ट साइड में अगर बिंदी आ गया तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन क्या है? यस है, यस। और सेम इस सामेक, कप, कप डालकर ऊपर क्या किया है? वाव से ढक्कन डाल दिए। कप एंड सॉसर से ऊपर ढक्कन रख दिए, तो ये वाव उसको क्लोज किया है, तो ये क्या है? इसको सामेक करते बोलते हैं, दैट इज लेइंग हैंड्स, उसके ऊपर रखा गया है, और इसको प्रोनाउंसिएशन में क्या आएगा? यस करके साउंड आएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट वन, हर एक डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिफरेंस अगर बराबर अगर पता चल जाएगा देन वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द अल्फाबेट्स, नहीं तो सब अल्फाबेट्स को अपन एक ही जैसा बोलेंगे हम। ठीक है, थर्ड डिफरेंस ये क्या है? हे। क्यों हे करके है? क्योंकि इसमें गैप है, इसमें क्या है? गैप है। ये गैप की वजह से इसको क्या बोलते हैं? हे। हे का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हे? हे का मीनिंग देखो, बिहोल्ड, देखो। अगर एक गैप, इसको हे करके बोलेंगे, अगर इसमें गैप नहीं दिया, अगर मैंने ऐसे दे दिया है तो इसको बोलते हैं खेत। इसको क्या बोलेंगे? खेत करके बोलेंगे। खेत का मीनिंग है सेपरेशन। खेत का मीनिंग क्या है? सेपरेशन। हे का मीनिंग है देखो, और खेत का मीनिंग क्या है? सेपरेशन। देखो अभी अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हे बोले तो देखो, मीनिंग जो है, मीनिंग जो है उसका अर्थ जो है समझने में आप मिस्टेक नहीं करना चाहिए। अगर यहां पर गैप है तो क्या है? हे, बिहोल्ड, देखो। और इसको विंडो करके भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विंडो करके बोलते, लेकिन अपन एक ही मीनिंग के ऊपर स्टिकअप रहेंगे, व्हाट इज दैट? देखो। और नेक्स्ट वन क्या है? इसमें गैप नहीं है, और इसको बोलते हैं सेपरेशन, दैट इज अलग करना, सेपरेशन, अलग करना। पहला पहला कौन अलग हुआ? हु वॉज सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? कैन यू टेल मी? बोल सकते हैं आप कौन कौन पहला पहला अलग हुआ? आदम और हवा ही क्या हुआ है? अलग हुआ है। आदम और हवा क्या हुआ था? अलग हुआ था। आदम ने, जब प्रभु ने सब जानवर को बनाया, मिट्टी से बनाकर आदम के सामने रखा,
और आदम ने जिन जिन को नाम रखा था वो नाम उनके लिए हो गया, परफेक्ट नेम था वो, बिकॉज दैट नेम वॉज गिवन बाय आदम। आदम ने नाम रखा तो एकदम परफेक्ट नाम रख दिए। अभी जब लेकिन हवा को नाम नहीं रखा था, उसको स्त्री करके बोला है। जैसे ही इन लोग एदेन बगीचे से बाहर आए, बाहर आने का कारण कौन था? हवा है, क्योंकि उसने सर्प का बात सुना और वो फल को उन लोग ने क्या किया है, खा लिया है। इसके वजह से उन लोग क्या किया गया, दे वर थ्रोन आउट ऑफ द किंगडम ऑफ एडन। अभी दोनों जन बाहर आने के समय आदम ने अपना वाइफ को एक नाम दिया, कौन सा नाम दिया, हवा करके नाम दिया। यह हवा को तीन अक्षर है, थ्री अल्फाबेट्स इन हवा, वन इज केत, अदर वन इज वाव एंड अदर वन इज हे। ये तीन अक्षर केत, वाव एंड हे, ये तीन अक्षर मिलकर हवा का नाम बनता है। हवा का नाम क्या है, तीन अक्षर में है, केत, वाव एंड हे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केत, केत का मतलब क्या है, सेपरेशन। हाँ, तो इसके वजह से ही सेपरेट हुआ ना। इसके वजह से अलग हुआ, इसीलिए आदम ने बराबर नाम रखा कि तुम्हारे वजह से हमने क्या हुआ, सेपरेशन हो गए। इसलिए उसमें पहला अल्फाबेट उसने क्या डाल दिया, उसमें खेत करके डाल दिए। ठीक है, उनके अंदर से क्या सेपरेट हुआ, वाव सेपरेट हो गया। उनके अंदर से क्या सेपरेट हुआ, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम देम। वो वाव जो है, दैट इज अ साउंड ऑफ गॉड, वाव जो इट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, वो महिमा से इन लोग क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सो नाउ रीड इट, उसको रीड करो। हे मीन्स बिहोल्ड, देखो, क्या देखना है, वाव सेपरेट हो गया है। वाव क्या हो गया है, सेपरेट हो गया। देखो, वाव सेपरेट कर दिया इसने, किसने सेपरेट किया, मेरा वाइफ ने सेपरेट किया करके उसने बताया, आदम ने बताया। आपने आदम क्या बताना चाहता है कि तुमने वाव को सेपरेट कर दिया है, इसलिए उसका नाम क्या किया है, हवा करके रख दिया है। उसका नाम क्या है, हवा।